Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. July 7, 2017 को एयर कनाडा की परवाज ACA 759 टोरंटो से 135 मुसाफिरों और 5 कैबिन क्रू मेंबर्स के साथ सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना हुई। इस जहाज के दोनों पायलट्स बहुत तजुर्बेकार थे और इससे पहले भी इस रूट पर कई बार फ्लाई कर चुके थे। सारा सफ़र बिल्कुल खैरियत से गुजरा और तकरीबन 5 घंटे 30 मिनट बाद जहाज ने लैंडिंग के लिए पोजीशन लेना शुरू कर दी। इस काम के लिए उन्हें एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इजाज़त मिलने का इंतज़ार था। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर कुल मिलाकर 4 रनवेज़ हैं, जिनमें से एक वक्त पर सिर्फ 2 रनवेज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। हवा के रुख और दबाव को मद्देनज़र रखते हुए उस दिन रनवे नंबर 28R और 28L ऑपरेट कर रहे थे। अब तक हर चीज़ मामूल के मुताबिक हो रही थी, लेकिन पायलट्स को ATC से मिलने वाले अगले मैसेज ने सारा मामला उलट दिया। रनवे नंबर 28L उस वक्त कुछ देर मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया था और उसकी सारी लाइट्स भी ऑफ कर दी गई थीं। लिहाजा ATC ने एयर कनाडा को रनवे नंबर 28R पर लैंडिंग की इजाज़त दे दी। क्योंकि ये दोनों पायलट्स पहले भी कई बार इस रनवे पर लैंड कर चुके थे, इस वजह से वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें रनवे की 2 पैरेलल लाइट्स नज़र आएंगी, जिनमें से उन्हें 28R यानी राइट साइड वाले रनवे पर लैंड करना है। और यहाँ हुई सबसे पहली गलती। हर रनवे के साथ एक टैक्सी वे भी होता है। 28R के साथ भी एक टैक्सी वे था, जहाँ से तैयारे मुसाफिरों को लेकर रनवे तक आते हैं। रात के अंधेरे में एयर कनाडा के पायलट्स उस टैक्सी वे की लाइट्स से धोखा खाकर उसे रनवे नंबर 28R और 28R की लाइट्स को 28L समझ बैठे। रनवे 28R और टैक्सी वे के बीच सिर्फ 100 मीटर का फासला था। जब एयर कनाडा ने खुद को लैंडिंग के लिए टैक्सी वे से अलाइन कर लिया, तो दूर से देखने पर इस बात का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था कि वो असल में कहाँ लैंड करने जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा ख़तरा था, उससे तो पायलट्स अब तक अनजान थे। जिस टैक्सी वे को रनवे समझकर पायलट्स लैंडिंग की तैयारी कर रहे थे, उस पर 4 फुली पैक्ड एंड फ्यूल्ड तैयारे टेक ऑफ के लिए तैयार खड़े अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। उनमें से 3 जहाज़ यूनाइटेड वन एयरलाइन के थे और 1 फिलीपींस एयरलाइन का जहाज़ था। इन 4 जहाज़ों में कुल मिलाकर 1000 से भी ज़्यादा पैसेंजर्स बैठे हुए थे। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि सामने से आने वाला तैयारा किसी भी लम्हे उनसे टकराने वाला है। कहानी ने आगे क्या मोड़ लिया, ये जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगले हिस्से का।